Hello, a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel और हम start करते हैं daily current affairs quiz 27 of November के. मैंने comments में देखे थे, दो तीन comments थे कि like ये video किस time पे आती है या इसका एक time set कर दीजिए. तो देखिए, आप सभी को ये video 7 से 8 बजे के बीच में रोजाना उपलब्ध हो जाएंगे. अगर मान लीजिए कभी notifications नहीं भी आते हैं, अगर आपको notifications नहीं आ रहे हैं तो आप इस bell icon पर click कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. अदरवाइज़ आप कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो आप टॉपिक स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. ये वीडियोस रोज़ाना 7 से 8 बजे के बीच में आपको उपलब्ध हो जाएगी. एंड ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं ना, जितने भी है, आप लोग जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, आप सब इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से हाइयर लेवल तक के, मतलब देखिए बेसिक क्वेश्चंस को भी मैं डिटेल में बता देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं. तो ये चीज़ें आप जो आराम से फॉलो कर सकते हो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, किसको सिनेमा में उनके जीवन काल में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इनके जीवन काल में योगदान के लिए सिनेमा में जो इन्होंने अपना योगदान दिया है, तो ये कौन से शख्स है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 49वें, मतलब 49th एडिशन के समापन में ये पुरस्कार दिया जाएगा. और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होगा 28 नवंबर को. ठीक है, तो देखिए इनका नाम है सलीम खान. हमारे ऑप्शन जाते हैं डी, सलीम खान, और ये पटकथा लेखक हैं. तो हमारे ऑप्शन है डी, सलीम खान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. किसने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर स्पोर्ट्स पिस्टल में 2 स्वर्ण पदक जीते? वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपकी राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जो जूनियर स्पोर्ट पिस्टल है उसमें 2 गोल्ड जीता है? तो इनका नाम है मनु भाकर, एंड ये हरियाणा की हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो देखिए ये हमने अभी अभी कल ही सेलिब्रेट किया है, 26 नवम्बर को. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, 26 नवंबर. अब इसमें होता है क्या, डॉक्टर दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ना, ये डॉक्टर वर्गिस कुरियन का जश्न मनाता है. मतलब देखिए डॉक्टर वर्गिस कुरियन जो है ना, इन्हें हमारे भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक भी कहा जाता है. तो इनकी जो अमूल के गठन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, और ये दिन भारत में दुग्ध क्रांति के लिए ही जाना जाता है. इसमें डॉक्टर वर्गिस कुरियन को याद किया जाता है. तो ये हमने अभी अभी मनाया है 26 नवंबर को. हमारे ऑप्शन जाते हैं ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं. किस राज्य में मैत्री दिवस मनाया जाएगा? ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मैत्री दिवस मनाया जाएगा. अब मैत्री दिवस है क्या? देखिए ये एक तरह का बहु सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम होता है. इनका उद्देश्य ये होता है कि वहाँ की जो नागरिक है और जो हमारी भारतीय सेना है, इनके बीच की जो मित्रता है ना, वही उसी भावना को वो एक जश्न के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. तो ये ध्यान रखना है कि मैत्री दिवस जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, एंड ये वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है स्वर्गीय दोरजी खांडू जी के द्वारा स्थापित किया गया था. तो बस ये ध्यान रखिए, मैत्री दिवस जो है अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. किसको संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन है उनके द्वारा वैश्विक भू स्थानिक उद्योग राजदूत पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए ये पुरस्कार जो है ना, इनके द्वारा चीन में आयोजित हुआ था ये, और ये मिला है संजय कुमार को. हमारे ऑप्शन जाते हैं सी, संजय कुमार. ये उन्हें 19 नवंबर को दिया गया है, और अभी वर्तमान में संजय कुमार जियो स्पेशलिस्ट मीडिया एंड कम्युनिकेशन के फाउंडर एंड सीईओ है. तो ये ध्यान रखना है कि वैश्विक भू स्थानिक उद्योग राजदूत पुरस्कार जो है ये संजय कुमार जी को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. किस देश की क्रिकेट टीम ने महिला विश्व 2020 खिताब जीता है? तो देखिए महिला विश्व 2020 खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, और इनकी जो 2020 है, जो इसकी प्लेयर ऑफ द मैच रही है एस्लेक गार्डनर, एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है एलिसा हेली. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि महिला विश्व 2020 खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. नालंदा जिले के राजगीर में भगवान बुद्ध की 70 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किनके द्वारा हुआ है?
नालंदा जिले के राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। ये 70 फीट लंबी है और इसका अनावरण किया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने इसका अनावरण किया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है ना, ये दुनिया की, सॉरी, ये देश में बुद्ध की दूसरी ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, देश में बुद्ध की दूसरी ऊंची प्रतिमा है और ये गुलाबी सैंडस्टोन से बनी हुई है। तो ये कहाँ बनी है? नालंदा जिले के राजगीर में। हमारे ऑप्शन जाते हैं ए, नीतीश कुमार जी ने इसका अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीता है समीर वर्मा ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने मेन्स सिंगल फाइनल में चीन के गुआ गुजू लू को हराया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये समीर वर्मा ने जीता है। हमारे ऑप्शन जाते हैं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका और एशिया के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहुखतरे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तो ये है क्या? देखिए, ये आपदा चेतावनी पर ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो अब देखिए, इनके द्वारा किस चक्रवात को रेयरेस्ट ऑफ दी रेयरेस्ट रेयर चक्रवात घोषित किया गया है? मतलब बहुत ही कम देखा जाने वाला चक्रवात, जो रेयर मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में हो या बहुत ही कम संख्या, ये है तितली। अब ये तितली के बारे में जान लेते हैं। ये तितली चक्रवात जो है, ये अभी अभी आई थी ना अक्टूबर में उड़ीसा के तट पर, तो ये अपने विनाशकारी क्षमता को बनाए रखने में इतने बनाए रखने वाले इसके इतने लक्षण थे, ये इतनी सक्षम थी कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चक्रवात घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, तितली, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सीनियर राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप में साबरे स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप हो रही थी और इनकी साबरे स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है? तो इनका नाम है भवानी देवी। हमारे ऑप्शन जाती हैं सी, भवानी देवी, ये इंडिया की हैं और इन्होंने एमिली रॉक्स को हराया है जो इंग्लैंड की है। ठीक है, भवानी देवी हमारी इंडिया की है, इन्होंने एमिली रॉक्स को हराया है। एंड ये राष्ट्रमंडल जो आपकी फेंसिंग चैम्पियनशिप है ना, वहाँ ये गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय हो गई हैं। समझ में आ गई चीज़ें? ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब देखो, जो हमारा संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो हुआ क्या था कि संविधान ने 26 नवंबर 1949 में को अपना लिया गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पर संविधान दिवस की बात आती है तो इसे 26 नवंबर 1949 में ही अपना लिया गया था। प्रभावी रूप से इसे 26 जनवरी 1950 में वो प्रभावी रूप में हुआ था, बट इसीलिए हम संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, देखिए, 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। तो तब से 19 नवंबर 2015 से ये 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ गई चीज़ें? हमारी ऑप्शन जाती है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गैर परिवहन वाहन के रूप में क्वाड्री साइकिल को सम्मिलित करने की जानकारी दी? क्वाड्रिक साइकिल, ये क्या है? देखिए, ये ना तीन व्हीलर मतलब तीन चक्कों के आकार की वाहन है, लेकिन इसमें चार टायर है और चार टायर के साथ ये पूरी तरह से एक कार की तरह कवर किया जाता है। ठीक है, इसमें तीन भीतर की तरफ एक इंजन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये जो है, किस मंत्रालय के द्वारा इसे गैर परिवहन वाहक के रूप में सम्मिलित करने की जानकारी दी गई है? तो ये मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार द्वारा कल क्लस्टर बसों के स्थानों का पता लगाने के लिए ओपन ट्रांजिट डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया? जितने भी क्लस्टर बस है, अब उनकी उनका पता लगाया जा सकता है ओपन ट्रांजिट डेटा पोर्टल के द्वारा, और ये दिल्ली की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे ऑप्शन जाते हैं दिल्ली। ठीक है, मतलब हमारे ऑप्शन जाते हैं ए। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये क्या करेगी ना, 10 सेकेंड के अंतराल के अंदर ही क्लस्टर बसों के स्थानों का पता लगा लेगी, और ये आईटी दिल्ली द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है और इसे विकसित किया गया है। ये बसों के जो डेटा है ना, उनको प्रकट करने वाला देश का पहला शहर बन गया है।
क्योंकि ऐसी पोर्टल तो और कहीं है नहीं। और ये पोर्टल क्या करेगी, 1700 बसों की जानकारी प्रदान करेगी। दिल्ली का जैसे कि हम जानते ही हैं, वहाँ के CM है अरविंद केजरीवाल जी, गवर्नर है अनिल बैजल जी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, महिला मुक्केबाज विश्व चैम्पियनशिप किस शहर में आयोजित हुई है। तो महिला मुक्केबाज विश्व महिला मुक्केबाज विश्व चैम्पियनशिप जो है ये आपकी दिल्ली में आयोजित हुई है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भगवान राम की भव्य मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो देखिए ये स्थापित की जाएगी अयोध्या में। भगवान राम की जो ये मूर्ति है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित की जाएगी। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए अयोध्या, ठीक है। और ये पीतल की बनी हुई है। 25 नवंबर को ही UP सरकार द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया था और ये तय किया गया, ये घोषणा की गई कि अयोध्या में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के किन शहरों को अपनी ग्लोबल सस्टेनेबल शहर 2025 पहल में भाग लेने के लिए चुना है। मतलब इस क्वेश्चन में ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को चुना है अपने ग्लोबल सस्टेनेबल शहर 2025 पहल में भाग लेने के लिए। और ये 2 शहर कौन है, एक है नोएडा और एक है ग्रेटर नोएडा। अब देखिए इसको समझना कैसे है, आपके ऑप्शन में कुछ भी आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 शहर जो है, एक नोएडा है और एक ग्रेटर नोएडा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान और बाएं हाथ के स्पिनर कौन खेल के टेस्ट प्रारूप में 200 विकेट और 3000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम है साकिब अल हसन। हमारे ऑप्शन जाते हैं ए साकिब अल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में किस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर देहरादून जालीग्रांट हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की है। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि देहरादून में जो जालीग्रांट हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कही गई है। और अगर आपको पता हो, मुख्यमंत्री की जानकारी हो, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन जाते हैं डी उत्तराखंड। समझ में आ गई चीज़ें। अब वहाँ जो देहरादून में जालीग्रांट हवाई अड्डा है ना, उसका नाम बदला जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये रखा जाएगा, तो ये है उत्तराखंड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 नवंबर के। एंड अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इस वीडियो की अगर PDF चाहिए हो तो यह नीचे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू।